नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की व्रत स्पेशल रेसिपी है साबूदाना वड़ा अप्पम। क्योंकि मैंने दो नाम दिए, आप सोच रहे होंगे दो नाम मैं क्यों दे रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली हम साबूदाना वड़ा डीप फ्राई बनाते हैं, लेकिन आज मैंने इसे अप्पम पात्र में या अप्पम स्टैंड में बनाया है, तो इसलिए मैं आज इसे साबूदाना वड़ा अप्पम बोल रही हूँ, जो व्रत के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। डीप फ्राई भी नहीं है और हेल्दी भी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं व्रत के लिए साबूदाना वड़ा अप्पम बनाने में लगने वाली सामग्री और बनाने की विधि। साबूदाना वड़ा या अप्पम बनाने के लिए मैंने कम से कम 2 से 3 मीडियम साइज के आलू को उबाल लिया है और उसे ठंडा होने के बाद कद्दूकस कर लिया है। चाहे तो आप मैश भी कर सकते हो। और साबूदाना वड़ा बनाने के लिए मैंने साबूदाना को लगभग 5 से 6 घंटे के लिए, या आप अगर जल्दी करना चाहते हो 2 घंटे में तो आप गर्म पानी से भी भिगो सकते हैं। पहले 2 से 3 बार इसे धो लीजिए। जितना साबूदाना है उसी के बराबर मैंने पानी इसमें रखा था। अगर ज़्यादा पानी रहता है तो थोड़े से गीले हो जाते हैं। तो ये देखिए अच्छे से दाने दाने ये हुए हैं। तो जितना मैंने जिस बर्तन में से भिगोया था उसके लेवल में ही पानी रखा था, तो ये बहुत अच्छे से भीग गए हैं। अच्छे ये देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं ये। और यहाँ पर मैंने लगभग 1 कटोरी मूँगफली दाने को ड्राई रोस्ट किया हुआ लगभग 5 से 6 बिल्कुल धीमी आंच पे। और उसके बाद में इसे ग्राइंडर में ये देखिए हल्का सा दरदरा सा रखा हुआ है, ना ज़्यादा मोटा, फिर भी इस तरह से रखा हुआ है। बहुत थोड़े थोड़े से मोटे हुए उसमें दाने हैं। इसे एक बहुत ही अच्छी बाइंडिंग मिल जाती है साबूदाना वड़ा में, क्योंकि ये वड़ा आप इसे वड़ा भी बोल सकते हो या अप्पम भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऑयल फ्री भी कहा जा सकता है, क्योंकि मैं नॉन स्टिक पैन होता है अप्पम का, तो उसमें बहुत ही कम तेल लगता है या बिना तेल में भी बना सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा पुदीना और धनिया भी डाल रही हूँ, लेकिन जो लोग व्रत में धनिया पुदीना नहीं खाते वो अवॉइड कर सकते हैं उस चीज़ को, जो वो लोग खाते हैं वो ऐड कर सकते हैं। और लगभग 2 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है बिल्कुल छोटे साइज़ में। तो आप मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हो। और ये जीरा है जिसे ड्राई रोस्ट करके, लगभग 1 चम्मच जीरा है जिसे ड्राई रोस्ट किया है और इसे दरदरा कूट लिया है। 6 से 7 काली मिर्च है इसे भी कूट लिया है मैंने। 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक का है उसे भी कद्दूकस कर लिया है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और ये व्रत में खाने वाला सेंधा नमक है, तो इसे हम मिलाएंगे। तो शुरू करते हैं वड़ा या अप्पम बनाने की प्रोसेस। तो शुरू करते हैं साबूदाना वड़ा अप्पम बनाना। तो उसके लिए हमें एक बर्तन लगेगा जिसमें हमें डो तैयार करना है। तो एक मैंने बड़ा बाउल ले लिया है और उस पर मैं सबसे पहले साबूदाना डाल देती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छे से भींगा हुआ है। और इसमें मैं ये मूँगफली दाना डालूंगी और सभी मसाले ऐड कर देती हूँ जो हमें डालना है। हरी मिर्च, काली मिर्च, अदरक, जो लोग व्रत में अदरक नहीं खाते वो ना डालें, जीरा और धनिया, थोड़ा सा मैंने पुदीना भी लिया हुआ है, तो मैं इसे थोड़ा सा हाथों से तोड़ के डाल रही हूँ। और स्वाद अनुसार नमक, तो ये सेंधा नमक डालेंगे हम। और पहले सभी सूखी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और अब मैं इसमें आलू डालती हूँ। पहले बाइंड करके देख लेती हूँ, हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है, इसमें बहुत ही कम से कम तेल का यूज होता है। नॉर्मली हम जो वड़े बनाते हैं साबूदाने के उसे हम डीप फ्राई करते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी एक बाइंडिंग होना चाहिए। नॉर्मली हम ये अप्पम पात्र में बना रही हूँ। अप्पम जो बनते हैं थोड़ा सा लिक्विड होता है, उसमें खमीर आता है, तो उससे अप्पम बनाए जाते हैं। लेकिन मैं वड़ा बना रही हूँ अप्पम पात्र में, जिसमें तेल का कम से कम या बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो नॉन स्टिक होता है। ये देखिए अच्छे से मैश करते हुए, ताकि जो साबूदाना है वो भी अच्छे से मैश हो जाए। तो मैश हो चुका है ये, तो इसके गोले बना के देखते हैं। देखिए अच्छे से ये गोला बन रहा है।
अभी मिश्रण तैयार हो चुका है साबूदाना बड़ा अप्पम बनाने के लिए। तो मैं अप्पम तैयार करती हूँ। तो पहले मैं एक नॉर्मल साइज का जितना बड़ा मैं आपको ये पात्र दिखाती हूँ, जैसे ये पात्र है तो किसी में छोटा साइज होता है किसी में बड़ा, तो आप उस हिसाब से गोले में तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद इसे हम गैस पे रखेंगे। तो इसमें मैं हल्का सा घी लगाऊंगी क्योंकि व्रत में हम घी खाते हैं तो हम घी लगा रहे हैं। चाहे तो आप ऑयल भी लगा सकते हो, मूंगफली का तेल जो व्रत में आप खाते हो। साबूदाना वड़ा बनाने के लिए देखिए मिश्रण हमारा बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका, बहुत ही अच्छी इसमें बाइंडिंग आ चुकी है। तो अब हम इसे तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैं अप्पम पात्र में थोड़ा थोड़ा सा घी लगा लेती हूँ। चाहे तो आप घी लगा सकते हो, घी खाते हो आप व्रत में, या मूंगफली का तेल लगा सकते हो। तो मैं ये पात्र लिया हुआ है ये उसका, और उसमें ये देखिए मैंने घी लिया हुआ है, तो हल्का सा डिप करके और इसमें ये लगा लूंगी सभी में। और ये नॉन स्टिक होता है तो ज़्यादा इसमें घी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं इसमें बना करके रखते जाऊँगी जिस साइज़ के गोले आएंगे इसमें। नॉर्मली हम बड़ों को डीप फ्राई करते हैं लेकिन ये इसमें बहुत ही अच्छे से सिक जाते हैं बिल्कुल धीमी आंच पे। ये देखिए साइज़ के इसमें आ जाएंगे। तो मैं बना के इसमें रखते जाती हूँ। तो इस तरह से बना के साबूदाना वड़ा अप्पम को पकते हुए लगभग 2 मिनट हो चुके हैं और बिल्कुल धीमी आंच पे रखा हुआ मैंने सिकने के लिए। तो एक बार देख लेते हैं क्योंकि हमें इसे बीच बीच में देखते हुए पलटना पड़ता है ताकि सभी तरफ से अच्छे से सिक जाए। तो अब मैं इसे पलट के देख लेती हूँ। वैसे दिख रहे हैं कि ये देखिए किनारे बिल्कुल अलग होने लग जाते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है। मैं इसे पलट देती हूँ सभी को। दो चम्मच से भी और आसानी हो जाएगी। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। इसी तरह मैं सभी को पलट लेती हूँ। अगर आप ऑयल तो बिल्कुल नहीं यूज करना चाहते हैं तो बिल्कुल ना डालें। सभी अच्छे से पलट चुके हैं। तो अब मैं इसमें हल्का हल्का से घी डाल दूंगी ताकि दूसरे साइड भी इसमें घी लग जाए और अच्छे से सिक भी जाए। तो ये ब्रश में लेकर ही मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, किनारे पे भी चला जाए बस। देखिए सभी में मैंने डाल दिया है। बिल्कुल इसी तरह पलट पलट के सभी तरफ से सेक लूँगी। लगभग 2 से 3 मिनट और लगेगा और आराम से ये पक जाएंगे। लगभग 4 से 5 मिनट हो रहे हैं साबूदाना वड़ा अप्पम को पकते हुए, तो बहुत ही अच्छे से ये सिक चुके हैं। तो अब मैं इसे ढक्कन के बिना ही सेकूंगी। ये देखिए जैसे हम ढाकते हैं तो इसमें स्टीम आ जाती है, तो ये थोड़े से सॉफ्ट भी होते हैं क्योंकि अंदर से पकना भी ज़रूरी है इसलिए ढाकना भी ज़रूरी है। तो अब मैं थोड़ी देर लगभग 1 मिनट ही काफ़ी है। देखिए सिक तो चुके ही हैं सब तरफ से, बस थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आ जाएगा अगर हम बिना ढके इसे सेकते हैं तो। ये देखिए बहुत ही अच्छा इसका कलर आ चुका है। ये देखिए सभी तरफ से, तो ये लगभग तैयार हो ही चुके हैं। बस मैं इस तरह से ताकि इसका स्टीम जो ऊपर से नमी थी वो हट जाए इसलिए मैंने बिना ढके थोड़ा सा सेक लेती हूँ।
और ये तैयार हो ही चुके हैं, मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकालूंगी। गर्मा गर्म साबुदाना वड़ा अप्पम बनके तैयार है खाने के लिए। और आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है, और ये डीप फ्राई भी नहीं है तो आप इसे हेल्दी भी कह सकते हैं। लगभग एक ही चम्मच मैंने घी का यूज इसमें किया हुआ है। चाहे तो आप घी डाल सकते हो, चाहे तो आप ऑयल भी डाल सकते हो। और मैंने इसे दही के साथ सर्व किया है, आप इसे दही के साथ भी खा सकते हो या मूंगफली या हरी मिर्च की चटनी के साथ भी इसे खा सकते हो। तो बहुत ही आसान रेसिपी, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके भी बताना ना भूले कि वड़े की रेसिपी आपको कैसी लगी। और मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।